जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नटराज स्तुति पाठ की। टैलेंट को निखारने वाला होता है भगवान शिव का नटराज स्तुति पाठ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है, यदि आप स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्तुति पाठ, जिसके प्रभाव से निरंतर आपका टैलेंट निखरने लगता है, नटराज स्तुति बोला जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, उन्हीं में से एक है भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव की नटराज स्तुति एक ऐसा स्तुति पाठ है जिसके निरंतर जाप से आपका टैलेंट, आपके अंदर की खूबी, आपकी खासियतें या आपके गुण सभी निखर कर सामने आ जाते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। नटराज स्तुति पाठ। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमा। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमा। गंभीर नाद मृदंग ना धबके उरे ब्रह्मांड ना नितहोत नाद प्रचंड ना नटराज राज नमो नमा। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मा विष्णाग माला कंठ मा नटराज राज नमो नमा। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुं वेद गाय संहिता। नटराज स्तुति पाठ के लाभ की बात करते हैं। नंबर एक, नटराज स्तुति भगवान शिव के आनंद तांडव को दर्शाती है। नंबर दो, नटराज स्तुति के पाठ से मन आनंदित रहता है। नंबर तीन, नटराज स्तुति के पाठ से किसी भी प्रकार का तनाव नहीं घेर पाता। चार, नटराज स्तुति के पाठ से कला में निखार आता है। पांच, नटराज स्तुति के पाठ से व्यक्ति के भीतर का टैलेंट बेहतरीन तौर पर निखरने लगता है। छः, नटराज स्तुति के पाठ से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलती है। सात, नटराज स्तुति के पाठ से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आठ, नटराज स्तुति के पाठ से मन में पसरा कैसा भी डर हो नष्ट हो जाता है। नौ, नटराज स्तुति के पाठ से शत्रु का भी हृदय प्रवर्तन हो जाता है। दस, नटराज स्तुति के पाठ से मानसिक बीमारियां नहीं घेरती हैं। 11, नटराज स्तुति के पाठ से जीवन में प्रेम का संचार होता है। 12, नटराज स्तुति के पाठ से पति के साथ वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। नटराज स्तुति पाठ के क्या नियम हैं? एक, सर्वप्रथम स्नान करें और स्नान के बाद आसन लगाकर बैठें। दो, भगवान शिव के नटराज रूप का ध्यान करें। तीन, ध्यान के बाद नटराज स्तुति का पाठ शुरू करें। चार, पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव के समक्ष जल अर्पित करें। पांच, आसन उठाकर अपनी जगह पर रख दें और भगवान को भोग लगाएं। छह, अंत में भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।